जवान मूवी जिस हिसाब से रिकॉर्ड बना रही, तो क्या लगता है रवि तेजा की मूवी टिक पाएगी? मेरे ख्याल से तो टिक पाएगी यार, क्योंकि भाई जवान 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 है और अच्छे खासे रिकॉर्ड बना रही है, बात अपने आप में सच है। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो भाई नागेश्वर राव है, तो टाइगर नागेश्वर राव, तो वो चलेगी, क्योंकि भाई वो रियल बेस्ड कहानी है और वो आंध्र प्रदेश के उतने बड़े क्षेत्र डाकू की है ना। हाँ, सबसे बड़ा छो उन्नीस मसीह है, डाकू का मसीह है ज्यादा है। हाँ, गरीब है, चलते चलते ट्रेन लूट लेता है। हालांकि सबको कहानी पता है, सबको भी मतलब जिन्होंने उस बारे में पढ़ा नागेश्वर राव के बारे में, टाइगर नागेश्वर, तो उनको पता है, बाकी सबको नहीं पता। तो अभी इसके जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि तेजा भी और जो एक्टर्स हैं, तो इन लोगों ने कहानी दिखाने की कोशिश की, उसका एक ऐसा सॉफ्ट साइड दिखाने की कोशिश की है। हाँ, मतलब कि एक दूसरा पहलू, दूसरा पहलू, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और कहीं ना कहीं वो फिल्म चलेगी, मेरे ऐसा पसंद नहीं मानना। पॉजिटिव साइड दिखाया गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जवान के रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, लेकिन जवान अब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नागेश्वर राव, मतलब ये रवि तेजा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं पैन डेली पे, तो कमाई करेगी, ये बात कन्फर्म है। अब बाकी इसमें जॉन अब्राहम की वॉइस ओवर होने वाली है, नूपुर सेनन ऐसा को स्टार देखने को मिलने वाली है इनके साथ, क्या कहते हैं रवि तेजा के साथ, तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो बनाया गया, कमाई करेगी और इस पर वर्ड ऑफ माउथ चलेगा। और ये भी केजीएफ और जवान पठान जैसी तो बड़ी फिल्म, पता चलेगा कि रिकॉर्ड ब्रेक कर पाती है कि नहीं। मेरे हिसाब से जवान का है तो, है ना, मतलब कि मैं कह रहा था ये बड़ी फिल्म होने वाली है। हाँ, बड़ी फिल्म ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, छोटा मोटा एक्टर तो है। हाँ, वो भी बहुत पॉपुलर एक्टर है, एक्शन कॉमेडी को भाई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी नागेश्वर राव। ओके सर, थैंक यू।